गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या था? तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है। बट ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन जो होता है वो कोई मीडियम के थ्रू होता है। तो वो जो मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की, वो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से की जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि एनर्जी का कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में लॉस होता नहीं है। ओके, यानी कि पूरी जो सिस्टम है वो लॉसलेस है, कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का कोई भी लॉस होता नहीं है। तो इसमें हमने दो टाइप के एक्साइटेशन सिस्टम होती है, उसमें फर्स्ट वन आएगा वो है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, और सेकंड वन आएगा वो आएगा डबली एक्साइटेड सिस्टम। अब उसमें हम सिंगली एक्साइटेड सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम क्या होता है? तो जैसा उसका नाम है कि सिंगली, तो सिंगली मीन्स क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही कॉइल की ज़रूरत है। ओके, सिंगली का मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ही कॉइल की ज़रूरत होती है। ऐसी जो सिस्टम होगी उसको हम बोलेंगे सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो इनपुट टर्मिनल्स होता है उसका एक सेट होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पैर में होगा वन सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट टर्मिनल एंड वन सेट ऑफ मैकेनिकल आउटपुट टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि जो आउटपुट होगा उसमें भी एक सेट होगा, इनपुट होगा उसमें भी सेट एक सेट होगा। जो इनपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा एंड जो आउटपुट होगा वो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में क्या है, एक तो एक कॉइल की ज़रूरत होती है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड थिंग कि जो इनपुट टर्मिनल होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल का एक सेट होगा एंड जो आउटपुट होगा उसमें एक सेट होगा टर्मिनल का जो मैकेनिकल आउटपुट देगा। ओके, तब सिंगली एक्साइटेड सिस्टम कहाँ कहाँ पर उसके एप्लीकेशन है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होते हैं, सॉलेनॉइड कॉइल्स होते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर होते हैं, ये सब जो है वो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नाउ एनालिसिस ऑफ सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में आपको स्क्वायर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। हमने अज्यूम किया हुआ है कि लॉसलेस मैग्नेटिक फील्ड स्टोरेज सिस्टम है। यहाँ पे इनपुट में इलेक्ट्रिकल दिया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वन सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट। एंड आउटपुट पे आप देख सकते हो फोर्स, यानी कि आपको मैकेनिकल एफ दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि मैकेनिकल आउटपुट का एक सेट दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। आउटपुट में आपको मिल रहा है फोर्स एंड एक्स यानी कि डिस्टेंस, यानी कि मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है उसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड इसके लिए जो इनपुट टर्मिनल है उसके अंदर एक कॉइल की ज़रूरत होती है एंड इट विल एक्ट एज एन इनपुट टर्मिनल। ओके, जबकि जो आउटपुट है वहाँ पे आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलने वाला है। तो मैकेनिकल आउटपुट क्या मिलेगा आपको? मूवेबल प्लंजर, यानी कि वो मूव कर रहा है, यानी कि आपको जो आउटपुट है वो मैकेनिकल मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इनपुट है उसके पास दो वेरिएबल है, एक तो है उसके पास वोल्ट एंड दूसरा है उसके पास करंट। जबकि मैकेनिकल आउटपुट है उसके पास भी दो वेरिएबल है, एक है एफ यानी कि फोर्स एंड एक्स यानी कि डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा डायग्राम दिखाया गया है। हमने वोल्टेज दिया हुआ, एक कॉइल ली हुई है, कॉइल के साथ हमने उसकी जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे
मीटर कनेक्ट किया हुआ है जहाँ से हम सप्लाई देंगे, जबकि आउटपुट में प्लंजर को रखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई योर प्लंजर विल मूव, ओके। एंड यहाँ पे जो कॉइल है बीच में जो आपको पूरा स्क्वायर दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, ओके। यानी कि आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो इलेक्ट्रिकल, जबकि आउटपुट आपको मिलेगा मूवेबल प्लंजर। यानी कि आउटपुट में हमारे पास दो वेरिएबल है, एफ यानी कि फोर्स एंड एक्स यानी कि डिस्टेंस, यानी कि प्लंजर कितना मूव होता है, ओके। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लॉस लेस वाइंडिंग्स है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी, हम उसको कितना इनपुट दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम KVL अप्लाई करेंगे इनपुट के साइड। इनपुट के साइड अगर हम इनपुट देंगे तो वहाँ पे आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर प्लस ई, ओके। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ओके। सो इंड्यूस्ड EMF यानी कि E इज इक्वल टू d∅ by dt। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट d∅ by dt। गिव दिस इक्वेशन नेम नंबर टू, ओके। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, V इज इक्वल टू IR प्लस एंड d∅ by dt, ओके। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय I, सो VI इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस एन आई इन ब्रैकेट d∅ by dt, ओके। सो नाउ इफ यू टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो VI dt इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt प्लस एन आई इन ब्रैकेट d∅, ओके। अब हम कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट V माइनस आई आर क्लोज द ब्रैकेट idt इज इक्वल टू एन आई डी फाई, ओके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यू कैन राइट डाउन v माइनस आई आर इज इक्वल टू e, सो ई आई डी टी इज इक्वल टू एन आई डी फाई, ओके। सो एन आई जो है वो क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे ई आई डी टी है वो हमें क्या देगा, dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू ई आई डी टी इज इक्वल टू एन आई डी फाई। सो दिस वन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट सपोज यहाँ पे अगर प्लंजर की मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होती है, अगर मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें नहीं मिलता है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है उसके जितना रहता है। यानी कि dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू dWf, ओके। यानी कि जब भी मैकेनिकल आउटपुट ज़ीरो मिलता है या तो प्लंजर की मूवमेंट नहीं होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसके जितना होता है। यानी कि dW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू dWf। नाउ मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा कि अगर प्लंजर मूव हो रहा है तो हमें मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी मिलेगी। यानी कि जस्ट सपोज जो प्लंजर है वो dx डिस्टेंस की जितना मूव हो रहा है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जस्ट सपोज फोर्स जब देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में प्लंजर dx जितना मूवमेंट कर रहा है, सो एट दैट टाइम द मैकेनिकल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड एज मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल टू dWmax इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई द dx, वेयर एफ इज द फोर्स एंड dx इज द डिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इनपुट, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी माइनस मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी। यानी कि चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी कितना है, dWf इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी
यानी कि डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल. सो विद दैट इक्वेशन डी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल माइनस डी डब्ल्यू मैकेनिकल. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 यू कैन राइट इट डाउन लाइक डी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एन आई डी फाइव माइनस एफ ऑफ डी एक्स. तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 6 जो है वो फोर्स एंड टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. थैंक यू.